बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट समर। तो आप लोग कह रहे होंगे कि पहले तो बच्चों के स्कूल लगने थे 11 जनवरी को, लेकिन अब होने लगने हैं 18 को। तो मैंने सोचा कि हमारी हॉलीडेज एक्सटेंड हो गई हैं, तो क्यों ना इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं सोचा कि मैं क्या इसका फ़ायदा उठाऊँगी, क्योंकि सिलेबस तो मेरा सारा पहले से कवर है। तो मैंने कहा कि चलो हम लोग रेसिपीज़ बना लेते हैं। तो इन छुट्टियों में मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बहुत मज़े की रेसिपीज़ दूंगी, चाहे मैं आपको थोड़ी दूं लेकिन आउट क्लास दूंगी। तो आज हम लोग बना रहे हैं मटन कढ़ाई। चलिए देखते हैं कैसे बनेगी मेरे किचन में नानो के स्टाइल। हाथ बाहर निकालने में बिल्कुल शौक से दिल नहीं कर, इतनी ज़्यादा ठंड है। अच्छा जी, तो मेरी नानो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हैं मटन कढ़ाई में, मैं आपको आज वो बताऊँगी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर मटन लिया है, और फिर उसके बाद हमने लिया है ग्रीन चिली पेस्ट, अनियन पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमेटोज। हम लोगों ने नानो ऐसी लिए तो हमने भी ऐसी ली है, उसका हमने पेस्ट नहीं किया, प्योरा नहीं बनाया। और स्पाइसेस में हमने लिया है टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ड्राई कोरिएंडर पाउडर, होल स्पाइसेस, ब्लैक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम और सिनेमन स्टिक। मटन हम लोगों ने लिया है 1 kg मटन चॉप, जिसको हमने मामा ने बहुत अच्छे से नफासत से वॉश किए। और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, और इसको हम लोग मैरिनेशन का टाइम होगा तकरीबन 2 hours। मटन चॉप्स को मैरिनेट हुए 2 hours हो गए हैं, तो अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। हम लोग यूज़ करेंगे देसी घी, एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आप लोग देसी यूज़ कर लें या बनस्पति यूज़ कर लें, इट्स टोटली अप टू यू। और अब इसके अंदर जाएंगे मटन चॉप्स। मटन चॉप्स को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत प्यारा मटन चॉप्स का कलर आ गया। मटन अपना भी पानी ज़रूर छोड़ता है, तो हमने इसको ड्राई करना है, तो इस साथ साथ ड्राई होता जाएगा इसका पानी। तो हम लोग तब तक इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट। इसको हम लोगों ने स्लो फ्लेम पे बनाना है, इसके अंदर बहुत पेशेंस चाहिए। आपने जिस बात की क्योंकि फटाफट नहीं सब कुछ कर लेना, आपने पेशेंस से बनाना है। ग्रीन चिली पेस्ट ऐड किया हो जाएगा। स्पाइसेस में से हम लोग इस पॉइंट पे ऐड करेंगे सॉल्ट। बहुत ध्यान से भी बाकी का जो स्पाइस है वो ना चला जाए, सिर्फ सॉल्ट, और उसको मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि पुल करेंगे अच्छी तरह से चॉप्स को, ताकि जो हमने पेस्ट ऐड किया है और जो सॉल्ट ऐड किया है वो सारा चॉप्स में अच्छी तरह से रच बस जाए। और अब जाएगा अनियन पेस्ट, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये 3 मीडियम साइज अनियन का पेस्ट है। अनियन पेस्ट डालने के बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 to 6 मिनट्स के लिए, ताकि जो इसकी रॉ स्मेल अनियन की वो ख़त्म हो जाए। अब अनियन की जो रॉ स्मेल थी वो अच्छी तरह से ख़त्म हो चुकी है, और बहुत बहुत प्यारे की और प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सारे मसाला जात। सारे मसाला जात हमने ऐड कर दिए हैं, और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है, जो मसाला है वो मटन के साथ मज़े से मिल जाए, और मुझे पता लग रहा है कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम ऐड करेंगे टमेटोज और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसको कवर कर देंगे टमेटोज डालने के बाद तकरीबन 5 to 6 मिनट्स। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और टमेटोज बहुत मशी हो गए हैं। ये देखें, ऐसे से कर रही हूँ, ये मैश हो रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। इसीलिए हम लोगों ने टमेटोज के बड़े पीसेस रखे थे। अब जाएगा योगर्ट। योगर्ट ऐड करके हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, और अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब चेक करते हैं मटन कढ़ाई।
बहुत अच्छी बन गई है, बहुत प्यारा कलर आया है।